नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो देख सकते हो मेरा फेस रिवील हो चुका है और आज हम जाने वाले हैं भालू भाषा का रैली देखने। तो गाइस हम निकल चुके हैं और मुझे एक बात करनी थी, मुझे कुछ खास व्यूज़ आ नहीं रहे ये व्लॉग बनाने में, तो मैंने सोचा फेस रिवील कर देता हूँ, शायद फेस में व्लॉग बनेगा तो अच्छा रहेगा। तो देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं काफीड़ी मैदान और देख सकते हो पूरा सजाया हुआ है लाइट से और मंदिर भी सजाए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, फिर मंदिर भी जाएंगे, फिर भालू भाषा भी चलते हैं तो ग्रुप के साथ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कासडी का दुर्गा मंदिर। तो पहले चप्पल खोल लेते हैं और चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। तो देख सकते हो गाइस कितनी भीड़ है मंदिर में। तो पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हो पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर यहाँ पे है और यहाँ पे पूजा भी हो रहा है। तो और अंदर में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता का भी तस्वीर है, तो उनको भी देख लेते हैं। देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं पूरे फैमिली में। और कमेंट में लिख दो जय श्री राम और चलिए चलते वापस। अब तुम लोग सोच रहे हो ये माता जी इस तरह क्यों कर रही है, तो कोई गलती से मत बोलना कि ये डांस है, मतलब ये औरत के अंदर माता जी आई है और इसलिए उन्होंने ऐसा कर रहे हैं। तो जूम करके दिखा देता हूँ, ये लोगों का कहना है और मैं भी मानता हूँ 50%। फिर हम चल देते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए जिनका मूर्ति ऊपर में है। और ये देख सकते हो पहले इनको हटने देते हैं, इनका बात प्रणाम करते हैं। देख सकते हो शिव जी है, गणेश जी, कार्तिक और पार्वती माता भी है। तो पहले नमन कर लेते हैं फिर चलते हैं हम लोग वीडियो दिखाने के लिए। देख सकते हो हमारे यहाँ पे बगल में तस्वीर भी है शिव जी विद फैमिली और पंचमुखी हनुमान जी का। तो चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ, यहाँ से बाहर देखने में कैसा लगता है। तो देख सकते हो उस तरफ से हम लोग आए थे, आपको मालूम होगा। तो एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, देखता हूँ लिखा है, जिसने रिश्ता और नम्रता नहीं सीखी उसका बहुत कुछ सीखना भी व्यर्थ है। और लिखा है एक यहाँ पर, पाप अपने साथ रोग, शोक, पतन और संकट भी लेकर आता है। और इधर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, शालीनता बिना मोल मिली मिलती नहीं, अब पढ़ लेना। शांत और प्रसन्न मन से किया हुआ सबके भोज व्यर्थ नहीं जाता। और यहाँ पे भी लिखा है, पुष्प की तरह खिले, चंद्र की तरह सुगंधित बने, तो भगवान भी सिर पर रखेंगे। तो देख सकते हो गाइस हम लोग ने दर्शन करके निकल चुके हैं भालू भाषा के ओर। और देख सकते हो कितना रात हो रही है, हमारे अलावा कोई नहीं दिख रहा है। तो देख सकते हो पूरा खाली है और चलते हैं, वीडियो में बने रहे। तो देख सकते हो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं भालू भाषा और ये आपको दिख रहा होगा हनुमान जी का लाइट से बना हुआ चित्र। तो बढ़ते आगे। तो देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर की बहुत करीब और ये देख सकते हो राम जी का लाइट से बना हुआ चित्र भी, क्या मस्त लग रहा है। और लाइट तो आप देख ही सकते हो बहुत दूर दूर तक जा रहा है और भीड़ भी बहुत काफ़ी है। तो आगे चल के मैं
देख सकते हो गाइस कितने भीड़ है, और ये है हमारा मुख्य दरवाज़ा, इसमें हम जाएंगे। और नीचे है मंदिर, आपको सामने दिख रहा होगा हनुमान जी का। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो रोड पार कर लेते पहले। तो ये जगह का नाम है जम्मू अखाड़ा, बालू भाषा में है। तो आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं, कभी भी मंदिर आपको हमेशा दिखेगा। और देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। तो देख सकते हो भाई, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ मंदिर हनुमान जी का मंदिर की। तो देख सकते हो वीडियो में कुछ खास आ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा है। तो अब हम जाने वाले हैं रोमन अखाड़ा, हनुमान जी का मूर्ति और मेला देखने के लिए। Yeah.
सकते हो गाइस, हनुमान जी का मूर्ति काफ़ी विशाल है और वो बैनर है कम्युनिटी का और बहुत सारा लाइट है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हो इधर झूले बहुत सारे हैं पर झूले में झूलने वाले नहीं हैं और मेरा भाई उधर घूम रहा है काफ़ी। तो देख सकते हो पूरा खाली है और क्या ये डांसिंग लाइट है 360 जो वीडियो बनता है। देख सकते हो पता नहीं ख़राब हो गया क्या हो गया। तो ये थोड़ा नहीं ख़राब नहीं हुआ, चल तो रहा है। तो चले चलते अब हम ब्लॉग इज़ अबाउट टू एंड। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब छोड़ो पहले, व्यूज़ तो आ नहीं रहे वीडियो में, प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना ताकि अच्छी एंगेजमेंट मिल सके वीडियो को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे।